इमरान भाई कल इन्होंने अपना टीवी तोड़ दिया। क्यों? ये मैच देख रहे थे, प्लेयर ने छक्का मारा, उनकी बॉल घूम गई। अच्छा। इनके पास बॉल पड़ा था, कहते ए ले लो। ਉਹਨੂੰ ਦੜਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਜੁਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ। WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਨੰਬਰ ਦੇ ਯਾਰ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ 3 ਜੁਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਡ ਵੱਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈ ਯਾਰ। ਕੀ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਡਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ 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 ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ क्योंकि दुनिया न्यूज़ पे मौजूद है द वन एंड ओनली नोमन मसूद साहब, और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। देखते रहिए। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। मुझे आपकी बहुत गुस्से वाली पर्सनालिटी लगती थी और एक्सप्रेशंस भी, लेकिन आज देख के लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा रोमांटिक इंसान है, तो कैसा है? चलिए भाई इसका जवाब देता हूँ। अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा कहा हमें, क्योंकि जिसको जितनी थी जरूरत उतना ही पहचाना हमें। नुमान भाई बंधन आया, ठीक है। जो उसका हीरो था उसने पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी की अगर कोई इंतहा है वो आपने देखी, उस वक्त का कोई ऐसा फैन, कोई ऐसा दीवाना फैन जिसकी कोई बात याद हो? चले दीवानी भी हो सकती है वैसे। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जो बड़ा खूबसूरत होता है। मुझे वो टाइम भी याद है कि मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं मरी गया था। वैसे सर शादी नमी नमी होती सब दी। वैसे एडी को पछताने वाली गल नहीं कि मेरी नई नई शादी हुई है। देखो अगर उस वक्त पूछते मेरा एक्सप्रेशन होर होंगे। अच्छा मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि यार एक मरी चलते हैं लंच करके आ जाते हैं, तो मैंने उससे कहा देखो यार, अच्छा उन दिनों में ड्रामा खत्म हुआ था नया नया, तो मैंने उससे कहा यार कहीं और चलते हैं, वहां जाएंगे ना तो फिर वही प्राइवेसी का मसला होगा, फिर खपरौला मचेगा। तो उसको यह था कि नहीं चलते हैं। तो वहां हम लोग गए और वहां पे जो मेन माल रोड है, उस वक्त इतना कंजस्टेड नहीं होता था, तो जब वहां पे गए और मैंने गाड़ी खड़ी की और मैं गाड़ी से बाहर निकला, तो आज मैं कभी सोचता हूँ कि वो ऐसा शायद फिल्मों में होता होगा कि पूरा माल रोड बंद हो गया था। वो मुझे आज भी ख्वाब की तरह लगता है कि सिर्फ मेरी गाड़ी थी, मैं था, और मुझे फटाफट फिर कुछ रेस्टोरेंट वालों ने अंदर किया कि सर आप यहाँ बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। तो खैर चंद खवातीन अंदर आ गईं कि हम मिलना चाहते हैं, तो वो आईं। तो अब इजाज़त इजाज़त खवातीन को मिली इतने रश में? इतने रश में। तो मेन पॉइंट क्या है कि नई नई शादी हुई। अच्छा ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो खवातीन अंदर आ गई, खवातीन ने अंदर आके ना एकदम आके कहा ये किसको ले आए हैं आप? ओए नादिया कहाँ है? बस फिर वापसी पे मैं खामोश आया, भाभी बोलती रही। हाँ तो नहीं पता था कि क्या हालात है।